हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारी इंग्लिश ग्रामर चल रही है और इंग्लिश ग्रामर में हमारा हो जाता है सिंटैक्स भी कंप्लीट। नाउन आर्टिकल सिंटैक्स को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंटैक्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कॉमन एरर में कैसे कैसे आप एरर को फाइंड कर सकते हैं, सिंटैक्स से रिलेटेड एरर को फाइंड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जेनरस मैन ऑफ द टाउन। अब वन ऑफ द के बाद यहां पर हमने यूज किया रिचेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट जेनरस ये भी हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद नाउन आ रहा है एम ई एन, वो भी प्लूरल में, तो सेंटेंस हो जाता है हमारा सही। तो यहां पर एरर हमें नहीं मिलता यानी कि नो एरर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस है कि कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन, दो सब्जेक्ट हो जाते हैं और दोनों सब्जेक्ट को हमने जोड़ा है एंड से, और जब दो सब्जेक्ट हमने एंड से जोड़े हैं तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। तो हैज की बजाय आपको क्या यूज करना होगा यहां पर, हैव। तो हैज की बजाय आपको हैव यूज करना है और सेंटेंस बनेगा कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन हैव डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कि द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक, यहां पर बात करी जा रही है एक ही व्यक्ति की। ठीक, द पोएट एंड क्रिटिक, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं और यहां बात की जा रही है द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है ना। तो वहां पर आप हैव बीन की बजाय हैज बीन को यूज करेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजें दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे, और जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी की बात की जाएगी तो वहां पर आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कि ब्रेड एंड बटर। ठीक, ये हमने किया था, ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। ठीक, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों को एक साथ ही यूज करते हैं, एक के सेंस में यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर, और आर की बजाय आप क्या यूज करेंगे, इज। तो हमारा सेकंड एरर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एवरी मैन एंड वोमैन इन ए फैमिली आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड। मैंने आपको बताया था कि ईच और एवरी का जब भी आप यूज करेंगे, जब भी आप ईच और एवरी को एक साथ यूज करेंगे तो कैसे करेंगे कि उनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। तो आर की बजाय आपको क्या यूज करना है यहां पर, इज, यानी कि एवरी मैन एंड वोमैन इन ए फैमिली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि थर्ड में एरर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सिक्स पर, और सिक्स है हमारा आइदर सतीश और मनीष हैव दे की टू दिस प्रॉब्लम। तो कल हमने पढ़ा था कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वहां पर जो वर्ब आएगी वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, नजदीक यानी कि पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहां पर हैव है वर्ब, ठीक, और मनीष क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर हैव की बजाय आपको क्या यूज करना है, हैज। तो यानी कि हमारा एरर कहां होगा, सेकंड में, यानी कि सेंटेंस बनेगा आइदर सतीश और मनीष हैज दे द की टू दिस प्रॉब्लम। क्लियर हुआ। वैसे ही हमारा है सेवन, नाइदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट एट दैट पार्टी। तो आइदर और, नाइदर और वाली कंडीशन, नाइदर नॉर में भी क्या होगा, वाज है, तो वाज क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब, और नजदीक वाला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो गया प्लूरल, तो यहां पर वाज की जगह है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्ब। तो क्लियर हुई ये वाली पॉइंट। ठीक है, कल ही हमने पढ़ी है आइदर और, नाइदर नॉर वाली, तो वो कंडीशन यहां पर अप्लाई आप करेंगे। फिर आता है एट, और एट में क्या होगा कि आइदर शी और आई विल पे द फीस। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा विल है, विल सिंगुलर में है,
और आई के साथ है तो एरर तो नहीं होता यहां पर कोई भी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, यानी कि नो एरर यहां पर लगाकर आप चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नथिंग बट ट्रीज वर सीन इन द गार्डन। तो यहां पर आप क्या करेंगे, नथिंग बट, ठीक है, और नथिंग बट के साथ है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल और वो भी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है। तो यहां पर जो आता है ना नथिंग बट के साथ, ये रूल हमारा रह गया था वैसे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो नथिंग बट, और अगर उसके साथ प्लूरल नाउन है तो वहां पर आप वर की बजाय वाज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चाहे मतलब काउंटेबल होना चाहिए, प्लूरल या सिंगुलर का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, लेकिन काउंटेबल होना चाहिए नाउन। नथिंग बट ट्रीज वाज सीन इन द गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वाज वेरी लार्ज। तो द नंबर ऑफ के बाद पीपल सिंगुलर में आया है, और ठीक पीपल, और फिर है उसके बाद वाज, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही हो जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लूरल में, सॉरी, पीपल तो प्लूरल में है, द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ के साथ आता है सिंगल, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन और प्लूरल ही वर्ब होता है। द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं। आगे है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। अब यहां पर सम एंड सब्सटेंस, और सम एंड सब्सटेंस की बात की जा रही है, और दोनों ही एक के लिए ही यूज किया जाता है सम एंड सब्सटेंस। तो यहां पर इज आया है तो ये सेंटेंस भी हमारा सही हो जाता है, तो यहां भी हमारा कोई एरर नहीं होगा, ठीक है, ये भी सही है। फिर आता है 12, ईच एंड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वर गिवन फूड यस्टरडे इवनिंग। तो ईच और एवरी वाली कंडीशन है, और ईच और एवरी वाली कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से यूज होगा वो सिंगुलर में ही यूज होगा, तो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, वर की बजाय वाज, ठीक है, वर की बजाय वाज को। नेक्स्ट है, यू रैदर देन योर फादर, यू रैदर देन योर फादर आर टू ब्लेम। तो यहाँ ये सेंटेंस भी सही है, यू और रेदर देन के साथ जुड़ रहा है, योर फादर, ठीक है, प्लूरल में आएगा, प्लूरल ही वर्ब है, तो आर टू ब्लेम आर यहाँ पर सही है, तो सेंटेंस में हो जाता है नो एरर। नेक्स्ट है कि 5 आवर्स आर टू शॉर्ट ए टाइम टू जज वंस कैरेक्टर। तो यहां पर बात की जा रही है 5 आवर्स आर टू शॉर्ट ए टाइम, यहाँ एक टाइम की बात की जा रही है, एक अकेले टाइम की बात करिए, निश्चित दूरी की बात हो, एक अमाउंट की बात हो, तो वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब को आप यूज करेंगे। तो 5 आवर्स आर की बजाय आपको क्या यूज करना है, इज, आर की बजाय इज को यूज करेंगे, यानी कि 5 आवर्स इज टू शॉर्ट ए टाइम टू जज वंस कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 15 रूल, मैनी ए पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। अब मैंने आपको बताया था मैनी ए या एन या मोर देन वन, वहां पर जब भी आप यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो पैसेंजर सिंगुलर हो गया, ठीक है, हैव बीन की बजाय आप यहां पर हैज का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि मैनी ए पैसेंजर हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। क्लियर हुआ? तो गाइज ये थे 15 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर जो ट्रेंडिंग है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिंटैक्स से रिलेटेड हैं, ठीक, और वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इनको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जब आपको इसको वीडियो को देखें, ठीक है, तो उसके बाद आप एरर को एक बार और देखें, जो भी पीडीएफ वगैरह मैंने प्रोवाइड कराई है या वीडियो के जरिए आपको पढ़ाया है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।